सेम मांस खाए। क्या हुआ यार, डर लग रहा है, कैसे चलेगी? अरे यार वोटी है मेरी वोटी। ये नंगा कहाँ से आ गया? डर क्यों रही है तू? बड़े मजे ले आयो यार, शॉपिंग तो करा दो। हो गया कुंडा मेरा। ओला आले आले ऊ। सो हेलो गाइस, टुडे इज डे 2 इन पेरिस और हम खड़े हैं अपने होटल के बाहर। आज की हमारी एक्टिविटीज प्लान्ड आउट है बिग बस हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर। तो हमारे पास टिकट्स ऑलरेडी है, हमारे एजेंट्स ने वो प्रोवाइड करी थी। तो हम लोग तैयार श्यार होके आज बिग बस पे जा रहे हैं, बिग बस हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर पे। ये हमें पूरे पेरिस का व्यू दिखाएगी, पूरे पेरिस की अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हमें शो करेंगे। तो ये हम लोग जा रहे हैं बिग बस के बस स्टॉप पे, जहाँ से हमें बिग बस मिलेगी। तो आफ्टर एवरी हाफ एन आवर वो बिग बस की फ्रिक्वेंसी रहती है। मस्त, तो पेरिस में आके और ज़्यादा सुंदर दिख रही है। अरे फिर से शादी कर लें। हम पीछे देख रहे हैं अभी हमारे ई बाइक्स पड़ी हुई हैं। तो हमें अभी यहाँ से जो बस स्टॉप है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग अभी बहुत ईगर हैं कि इस ई बाइक के ऊपर ट्रेवल करते हैं और देखते हैं कि कैसे चला जाएगा। बहुत मन है इसे चलाने का। तो आप क्या पीछे खड़े हो जाओगे मेरे? बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं लगेगा। बस तो नहीं, मैं अपनी कुर्सी की पेटी बांध दूंगा, क्योंकि तुम्हें बताइए कितनी हैवी ड्राइवर है। चलो गाइस, इसको हम लोग एक बारी ऐप डाउनलोड करके जल्दी से हायर कर लेते हैं। बड़े मजे ले आयो। क्या हुआ यार, डर लग रहा है, कैसे चलेगी? अरे यार तुम इतनी बचपन में साइकिल चलाई है, डर क्यों रही है तू? A few inches later. One minute, 37 seconds later. तोड़ तो नहीं जाएगी मेरे को, कहीं अकेले अकेले ही चली जाए। और आप लोगों ने देखा, हम लोग अपने होटल से निकल के हमने डॉट इलेक्ट्रिक बाइक की हेल्प लेके हम लोग टुवर्ड्स बस स्टेशन जा रहे थे। लेकिन ऑन द वे हमारे 950 मीटर्स दूर पे आधे ट्रैम पे पड़ता है, जहाँ पे हम लोग रुक के थोड़ी फोटोज रील्स वगैरह में हम लोगों ने वीडियोस यहाँ पे लिए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं आधे ट्रैम पूरा, जो बहुत ही सीनिक व्यू आता है। वो यहाँ से बिग बस का स्टेशन, बस स्टेशन जो है वो सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है एवेन्यू गी ट्रायम्फ से। और बस स्टेशन का नाम है 156 एवेन्यू गी चैम्प्स एलिसिस। अब प्रोनंसिएशन का सही से पता नहीं कि कैसे करते हैं, बट हम अपनी दिल्ली वाली प्रोनंसिएशन लगा के ही हम यहाँ चले जा रहे हैं। और अभी तक तो दिल्ली वाली प्रोनंसिएशन बिल्कुल काम करी है। जिस भी फ्रेंच आदमी से या लड़की से हमने पूछा है, लड़कियाँ होते हैं तो मेरे को देख के स्माइल करी है, और आदमी गुस्से से देख रहे थे कि लड़कियां स्माइल क्यों कर रही हैं मुझे देख के। पर जितनों को भी मैंने अपनी दिल्ली वाली प्रोनंसिएशन में बोला है, उन्होंने बिल्कुल सही रास्ता बताया और हम बिल्कुल सही पहुंचे हैं। So the next bus has arrived. It just took 5 minutes to arrive the next bus. So we are waiting in the queue to enter the bus. Say musk hi. Hi. Bonjour. So we are going on roof of the bus. Bonjour.
चलो चलते हैं बिग बस पर पेरिस को एक्सप्लोर करने। सबसे पहला अट्रैक्शन है आर्क डे ट्रायंफ। ये मॉन्यूमेंट्स उन सोल्जर्स को ऑनर करता है जो फ्रांस के लिए लड़े और अपनी जान गवा बैठे। आर्क डे ट्रायंफ के रूफटॉप पर जाकर हम पेरिस का बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू विटनेस कर सकते हैं। दो तरीके से इसकी रूफटॉप पर पहुंचा जा सकता है। फर्स्ट इज बाय द स्टेयर्स एंड सेकेंड इज बाय लिफ्ट, जिसके लिए हमें 13 यूरोस पे करने पड़ते हैं, विच इज अराउंड 1150 रुपी। तो अब हम पेरिस की ब्यूटी को देखते हुए अपने दूसरे अट्रैक्शन की तरफ चलते हैं, और जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं उसका नाम है एवेन्यू विंस्टन चर्चिल, और उसके राइट साइड पर है ग्रैंड पैलेस सिचुएटेड, जहां वेरियस कल्चरल इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं। बट करेंटली दिस पैलेस इज क्लोज्ड ड्यू टू रेनोवेशन। और हमारे लेफ्ट साइड पे आता है पेकीक पैलेस, विच इज एन आर्ट म्यूजियम। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ हम चलते हैं, जो कि है ट्रोकेडेरो, जहां पर बहुत अच्छे गार्डन, पॉन्ड्स और फाउंटेन्स हैं, और आईफिल टावर का सबसे बेस्ट फोटोजेनिक व्यू ट्रोकेडेरो से आता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मोस्ट फेमस द आईफिल टावर, आयरन लेडी ऑफ पेरिस, जिसके इंफॉर्मेशन हम आपको अपने लास्ट व्लॉग में ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसको देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें, जहां पर उसका लिंक हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर किया है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, विच इज चैम्प डे मार्स। चैम्प डे मार्स इज द लार्जेस्ट पब्लिक पार्क इन पेरिस, सिचुएटेड बिटवीन आईफिल टावर ऑन द लेफ्ट एंड इकोल मिलिट्रेयर, विच इज अ मिलिट्री स्कूल इन पेरिस ऑन द राइट। उसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। ऑन द वे वी कैन विटनेस होटल डेस इन वेलिगेस एंड द रोडिन म्यूजियम। आफ्टर ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर राइड ऑन आर बस, वी हैव नाउ रीच्ड एट द ओपेरा गार्नियर, विच इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस ओपेरा हाउस इन द वर्ल्ड। ओपेरा हाउस के नियर बाय अट्रैक्शन जो है गैलरी लाफायत है, विच इज द बिगेस्ट मॉल इन यूरोप। होला गाइस, तो अभी हम बिग बस के थ्रू यहाँ पे ओपेरा पेरिस में पहुँचे हैं, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत ही ऑसम बिल्डिंग है ये, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, और लगभग अराउंड 1669 के आसपास इसको बनाया गया था। तो ये ओपेरा हाउस बिल्डिंग है पेरिस में, ये वोटी है मेरी वोटी। तो आपको पूरी मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे, पैनोरामिक व्यू पूरा इस एरिया का। ये इसके सामने की लेन है पूरी, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ अपने। यार शॉपिंग तो करा दो, हो गया कुंडा मेरा, ऐसे ही घुमाई जा रही हूँ इतनी देर से। चलो चलो बिग बस आने वाली है, जल्दी चलो, आने वाली है, इधर ही उतरे थे ना हम बिग बस से। So after the short break we move on to our next attraction which is Louvre Museum। और हमने लूव म्यूजियम पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड व्लॉग अपलोड किया है, बिकॉज कल हम लूव म्यूजियम को एक्सप्लोर करने गए थे पूरा, और उस व्लॉग का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर इस वीडियो के बाद, इस व्लॉग के बाद उस व्लॉग को भी देखें, और हमारी पूरी पेरिस की जर्नी का मजा लीजिए। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, विच इज ऑल्सो कॉल्ड आवर लेडी ऑफ पेरिस, नोट्रे डेम, which is a cathedral. Currently, it is under renovation because of the fire which occurred here in 2019 and expected to reopen in 2024. So now we are moving towards our last attraction, which is Museum d'Orsay, which is one of the largest art museum in whole Europe. Ale, ale, ooh. Ding, ding, ding. इसके बाहर तो ऐसे लाइन लगी हुई है एलवी के बाहर, तो जैसे यहीं पे फोटोज खींचने जा रही हो। सो आफ्टर सीइंग सो मेनी अट्रैक्शंस वी आर रियली मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ द पेरिस। So with this Big Bus tour of our 10 attractions, the Big Bus tour is now complete, and we will move on to our next stop, Arc de Triomphe, then Grand Palace and Petit Palace, and at last at Trocadero. We will get down at the Trocadero, and later in the evening we'll go at the second floor of Eiffel Tower. और आपको next vlog में वो भी ज़रूर हम लोग दिखाएंगे
कि हम लोग सेकंड फ्लोर पे आईफिल के कैसे जाएंगे और क्या मजे वहां पर करेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, वॉच आवर व्लॉग कम्प्लीटली। Three dances underway.